धूमधाम से मनाया जा रहा है गणपति पूजा। शहर के विभिन्न पंडालों में स्थापित किए गए भगवान गणपति, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कर रहे हैं दर्शन। सहजनवा के किसानों ने गीडा के द्वारा किए जा रहे जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। कमिश्नर ने रोक लगाने का दिया आश्वासन। हरपुर बुधहट में किसान के जमीन पर हो रहे कब्जे पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। हो रहे कब्जे पर रोक लगाने की मांग। धूमधाम से महानगर में कसौधन वैश्य सभा द्वारा महर्षि कश्यप की मनाई गई जयंती। पूजा अर्चना कर लोक कल्याण के लिए की गई प्रार्थना। सफाई मित्र सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम में लगाया गया हेल्थ कैंप। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने फीता काटकर हेल्थ कैंप का किया शुभारंभ। सफाई कर्मियों का निःशुल्क किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देशन में पूरे जनपद में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन एंटी चीयर्स अभियान। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पी रहे 759 व्यक्तियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। गोरखपुर जनपद में तैनात प्रांतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारी पुरोन्नत पाकर बन गए IPS। ADG जोन अखिल कुमार द्वारा PP गर्ल्स सेरेमनी बैज लगाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की गई कामना, दी बधाई। चीफ फील्ड सर्विसेज भारत इकाई, यूनिसेफ व चीफ फील्ड ऑफिस, यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 8 सदस्य टीम ने ITMS का किया भ्रमण। ITMS और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे आपदा न्यूनीकरण संबंधी कार्यों की ली जानकारी की सराहना। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज, मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के घटनाक्रम पे। गोरखपुर गणपति पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरा शहर गणपति के जश्न में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ भी गणपति प्रतिमा स्थापित की गई है। 10 दिनों तक शहर के पंडालों पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। शहर के सबसे प्रमुख पांडेहाता, बेतियाहाता सहित तमाम क्षेत्रों में गणपति के पंडाल सजाए गए हैं। शहर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की दर्शन के लिए भारी भीड़ जुट रही है। वहीं लोग घरों में गणपति के भजन, गीत व पूजन में डूबे हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गणेश प्रतिमा बैठाने वाले नागरिकों ने कहा, सबसे बड़ी मुश्किल माना जा रहा है। कितने लोग दर्शन कर लेते हैं? 2 से 3 हजार लोग। ये देख रहे हैं जा रहा है, मूर्ति अलग भी लग रही है। हाँ, कहीं और से भी मंगवाते हैं क्या? इससे नहीं सर, यहीं पे बनती है। हाँ, यहीं पे बनती है मूर्ति। सर, हमारी समिति के सारे लोग लगे रहते हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। महिलाओं की हम लोग अलग व्यवस्था करते हैं, जेंट्स लोगों की अलग व्यवस्था करते हैं। अमित कुमार गुप्ता, 18 साल जी। किस तरह की व्यवस्था देते हैं? दर्शन करने वाले लोगों को रोड जब ब्लॉक कर दिया जाता है उसके बाद लोग दर्शन करते हैं पूरी सुविधा के साथ। CCTV बताया जा रहा लगा? हाँ, लगा हुआ है, हर साल लगता है। कितने लोग दर्शन कर लेते हैं? कम से कम 3 से 4 हजार आदमी हो जाते हैं आरती के समय, 9 बजे। ये भी बताया जा रहा सबसे विशाल प्रतिमा मानी जा रही है जी, सिद्धि विनायक समिति पांडेय था। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। यह प्रतिमा 2006 से आज 18 वर्षों से लगातार 10 दिनों का ये कार्यक्रम होता है। क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोग?
देखिए दर्शन की व्यवस्था हम लोग वो किए हैं, और सबसे बड़ी समस्या आप देखेंगे तो रास्ता कंजेस्टेड है, तो उसकी व्यवस्था सबसे मुख्य चुनौती होती है। तो हम लोग लगातार 10 दिनों तक लगातार, ये अभी तो रोड खुला हुआ है पर आरती के समय हम रोड बंद कर देते हैं, तो एक मार्ग इधर से जाता है जो इधर निकलता है, इस गली से लोगों को मार्ग डाइवर्ट हम लोग कर देते हैं जिससे लोगों को असुविधा नहीं होती है। तो देखा जाए यहाँ पर राम जी, सीता जी, राधा रानी भगवान है, हमेशा कहीं हम लोग देखते हैं केवल गणेश जी रहते हैं, क्या संदेश दे रहा है? ये संदेश देने का काम, जैसे कि आपको पता होगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, और कहीं ना कहीं सिद्धि विनायक समिति भी इस मंदिर निर्माण की खुशी को जताते हुए भगवान श्री राम और माता सीता को यहाँ स्थान देने का काम की है। विवेक सिंह। सहजनवा तहसील के किसानों ने गीडा के द्वारा किए जा रहे जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील कुमार यादव ने बताया कि हमने कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और साथ में नोटरी ज्ञापन हल्फी भी सभी किसानों के साइन किया हुआ सौंपा गया है कि हम लोग अपनी जमीन को गीडा को नहीं देंगे, जिस पर कमिश्नर ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो किसानों के द्वारा किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील कुमार यादव ने कहा, किसानों ने अपनी जमीन देने के लिए असहमति जताई है, और जिसके परिप्रेक्ष्य में सारे किसानों ने नोटरी बयान हल्फी के द्वारा किसान सहमति, मतलब नोटरी बयान हल्फी द्वारा दिया है कि हम अपनी जमीन जो है गीडा को नहीं देंगे। आश्वासन ये मिला है कि जो किसान बिल का मूल वो है उसके ऊपर हम आपका काम करेंगे। सुनील कुमार यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य, लगवा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में किसान की जमीन पर हो रहे कब्जे को रोकने की मांग को लेकर एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि हरपुर बुधहट के ग्राम सभा गीदहा में रहने वाले किसान सोमनाथ गौड़ की 1 डिसमल जमीन है, उसी में वो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा जबरदस्ती खड़ंजा लगवाया जा रहा है, जिससे किसान बहुत दुखी है, जिस पर रोक लगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर धर्मराज चौहान, निजामुद्दीन खान, सुनीता देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, एक हरपुर बुधहट में ग्राम सभा गिधा के सोमनाथ गौड़ हैं, जिनके पास सिर्फ 1 डिसमिल के लमसम जमीन है, और उसी में वो खेती बाड़ी करके अपना जीते खाते हैं, लेकिन विगत दिनों कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनके जमीन पर ग्राम प्रधान राजेंद्र बेलदार, पत्नी कुमारी देवी, और ये सब मिल करके उनके जमीन पर जबरदस्ती खड़ंजा लगा रहे हैं मात्र 2 लोग के कारण, और ये प्रधान जो है गांव सभा में इतनी सड़कें जो बनवाई हैं जिसमें नहीं भी बनाया, जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, ऑलरेडी SDM साहब वहां जा करके प्रधान के ही पक्ष में बात कर रहे हैं, और ये सरासर एक गरीब, एक किसान को दबाया जा रहा है, और उस किसान में, उस गरीब किसान का अगर जमीन पर न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी उस गरीब किसान के लिए सड़क पर उतरने का काम करेगी। इसमें लिप्त SDM साहब भी हैं, इसमें लिप्त वहाँ के लेखपाल भी हैं, और ग्राम प्रधान गुंडाई के बल पर एक गरीब किसान के खेत में खड़ंजा निकलवा रहे हैं। आप ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला?
उन्हें मिला है कि इसको हम देखते हैं, और एडिशनल कमिश्नर का भी हम सुन लिए हैं, उनका आश्वासन सुने हैं, उनके आश्वासन पर हम थोड़े देर धैर्य करेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो यहीं पर हम सड़क पर बैठेंगे, सड़क जाम नहीं करेंगे लेकिन सड़क पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। कसौधन वैश्य सभा द्वारा कसौधन पंचायती मंदिर शेषपुर में धूमधाम से महर्षि कश्यप की जयंती मनाई गई, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहर कसौधन ने बताया कि महर्षि कश्यप की जयंती पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पूरे भारतवर्ष के नागरिकों पर महर्षि कश्यप का विशेष कृपा है, जिसको देखते हुए गोरखपुर में भी महर्षि कश्यप की आरती उतार कर व पूजा अर्चना कर उनकी जयंती मनाई गई है, जिससे विश्व का कल्याण हो और महर्षि कश्यप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे। इस अवसर पर देवेंद्रनाथ कसौधन, सतीश्वर कसौधन, कोषाध्यक्ष भोलानाथ कसौधन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहर कसौधन ने कहा, आज महर्षि कश्यप की जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है और पूरे भारत में महर्षि कश्यप जी का विशेष कृपा है। आज का दिन महर्षि कश्यप जी के जन्म जयंती के दिन है, इस वजह से पूरा भारत मना रहा है। उसी में एक मंदिर, मेरा ही जो छोटा सा मंदिर है ये पंचायती मंदिर शेखपुर का, उसका मैं अध्यक्ष के पद पर हमारे पंच के लोग स्वाभिमान किए हैं, इस निहित में आज हम लोग यहाँ आरती पूजन और प्रसाद का वितरण और शोभा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि विश्व का कल्याण हो और हमारे कश्यप जी सबको आशीर्वाद दें और सब लोग पूरा विश्व फले फूले और शांतिमय ढंग से देश चले, इसी के निहित हम लोग आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारा नाम जवाहर प्रसाद कसौधन, मेरा पद है उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड का सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री का दर्जा। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को नगर निगम के पुराने सदन भवन में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के निर्देशन में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी के नेतृत्व में किया गया। निशुल्क हेल्थ कैंप का उद्घाटन महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा फीता काटकर किया गया। उक्त कैंप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर कार्यालय से डॉक्टर हरजीत कौर, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, सुधीर गुप्ता, फार्मासिस्ट रूबी राय, उर्वशी कुशवाहा, स्टाफ नर्स सहित अशरफ अली, कंचन लता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि मौजूद रहे। उक्त मेडिकल टीम ने नगर निगम गोरखपुर में कार्यरत लगभग 200 से 250 स्थायी एवं आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको दवा आदि उपलब्ध कराई। उक्त मेडिकल कैंप में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मरली भूषण तिवारी, डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित सफाई निरीक्षक, सुपरवाइजर व विभिन्न वार्डो के सफाई मेट भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो है अगर वही बीमार रहेंगे तो शहर का स्वास्थ्य कैसे सुधारेंगे। इसी क्रम में आज डॉक्टर मुकेश रस्तोगी के निर्देशन में जो है यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम सारे अपने स्वास्थ्य कर्मियों का धीमे धीमे कई चरणों में स्वास्थ्य की जाँच करेंगे और जरूरत होगी उसकी तरह से उसका निदान किया जाएगा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300,
XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देशन में पूरे जनपद में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ ऑपरेशन एंटी चीयर्स अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न थानों की टीमों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पी रहे 759 व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो भी व्यक्ति सड़क के किनारे या चारपहिया वाहन में बैठकर शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के सभी थानों में शाम के समय सड़क पर बैठ के या फिर पार्क में या गाड़ी में बैठ के शराब का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ एंटी चीयर्स अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जो भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे अगर शराब पीने का ऐसा कृत्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल 759 ऐसे लोगों के खिलाफ जनपद भर में कार्रवाई की गई है और ये अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। ये मेरी सभी से अपील है कि पब्लिक प्लेसेस में शराब या इस तरह की इंटॉक्सिकेंट्स का यूज ना करें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में गोरखपुर पुलिस का सहयोग करें। गोरखपुर जनपद में तैनात प्रांतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारी प्रोन्नत पाकर IPS अधिकारी बन गए हैं। शासन द्वारा PPS से IPS बनाए जाने पर 3 अधिकारियों को गोरखपुर ADG जोन अखिल कुमार द्वारा PPGA सेरेमनी बैज लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी गई। आपको बता दें पिछले माह प्रदेश के सीनियर PPS अधिकारियों के IPS पद पर प्रमोशन को लेकर लखनऊ में DPC की बैठक हुई थी। बैठक में प्रदेश के 26 प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को IPS के लिए चुना गया था, जिसकी अनुमति के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। इन अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके तहत गोरखपुर के 3 PPS के अधिकारी IPS पद पर प्रमोशन पा गए हैं। प्रमोशन पाने वालों में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा अधिकारी पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया एवं अपर पुलिस महादेशक के स्टाफ ऑफिसर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार शामिल हैं। उनके प्रमोशन पाने से विभाग के लोगों ने बधाई दी है। इस अवसर पर IG रेंज जे रविंदर गौड़, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई, सहायक पुलिस अधीक्षक मानुष पारिक, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, पुलिस अधीक्षक PTS किरण यादव, पुलिस अधीक्षक रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। चीफ फील्ड सर्विसेज भारत इकाई यूनिसेफ सुश्री जलपा रत्ना एवं चीफ फील्ड ऑफिस यूनिसेफ उत्तर प्रदेश डॉक्टर जकारी एडम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने बुधवार को ITMS नगर नगर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान टीम ने ITMS और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे आपदा न्यूनीकरण संबंधी कार्यों की जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि ITMS द्वारा मौसम पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी, सर्पदंश रीटेक आपको बता दें कि ITMS द्वारा मौसम पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी तंत्र, सर्पदंश से बचाव, वज्रपात के दौरान क्या करें क्या ना करें, लू से बचाव तथा समय समय पर अन्य जागरूकता संबंधित संदेशों का प्रसारण किया जाता है। ITMS में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अवगत कराया कि लगभग 45 बच्चे जो कि किन्हीं कारणवश लापता हो गए थे उनको परिवार से मिलाने का काम किया गया है। साथ ही आपदा में प्रभावित व्यक्ति को समुचित उपचार प्रदान कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराया गया है और उक्त व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकी। 17 सितंबर 2023 को जनपद में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना अधिक रही, जिससे बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूर्व सूचना प्रणाली तंत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, जिसके फलस्वरूप जनपद में कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान ITMS तथा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे नवाचार को टीम ने बहुत सराहा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं ITMS आने वाले दिनों में आपदाओं से बचाव और उसके प्रभावों को कम करने के प्रयासों को और अधिक सघन रूप से करने का कार्यक्रम बनाएगा।
जिससे शहर में आपदाओं से जनजीवन को सुरक्षित किया जा सके। ये सावधानी बरतना और सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है। आपका स्वागत है हमारे सर्प दंश के दौरान क्या करें और क्या न करें पर आधारित। विषाक्त सांप होते हैं तो यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि क्या करना है। याद रखें, त्वरित कार्रवाई जान बचाने में सक्षम होगी। सर से जो लेन आ रही है लेफ्ट हैंड को खाली कराइए, ये जो भी ड्यूटी में लगेगी लेफ्ट हैंड में, ये और ये किसी भी रूप में कोई भी वाहन स्टॉप लाइन के आगे खड़े नहीं होंगे। लेफ्ट हैंड को खाली कराइए, ये देख ले शास्त्री चौक की तरफ से आने वाली लेफ्ट हैंड को खाली कराइए, किसी भी रूप में लेफ्ट हैंड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जिनको भी बाएं से बाएं जाना है, बाएं जाने के लिए रास्ता अवश्य दें। मैसेजिंग का जो हम लोग एम्बुलेंस को निकलवाइए, सभी को रोक के निकलवाइए एम्बुलेंस को सभी को रोक के निकलवाइए एम्बुलेंस को किसी भी रूप में एम्बुलेंस का रास्ता अवरुद्ध नहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, आज यूनिसेफ की जो इंडिया टीम है वहाँ की चीफ टू फील्ड ऑफिस जो है मैम, और यहाँ यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के जो चीफ सर हैं मिस्टर चकारी सर, आज और उनकी पूरी टीम ने आज ITMS का निरीक्षण किया, और यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग ITMS के माध्यम से इमरजेंसी मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, जन समुदाय तक हम लोग जिस प्रकार लोगों तक सूचना पहुँचा रहे हैं, उसका आज उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने अपना अनुभव टीम के साथ साझा किया। एक अच्छा अनुभव यहाँ पे रहा, ITMS टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, और समय समय पे जो वज्रपात सर्पदंश आदि से बचाव की जो सूचनाएं दी जाती हैं उनकी काफ़ी सराहना की गई, और एक बहुत अच्छा मैसेज आज ITMS टीम द्वारा और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर टीम द्वारा दिया।